हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस अमीनो एसिड, विटामिन व मिनरल से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। यह शुगर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। आप इसे घर के किसी गमले या कोने में भी उगा सकते हैं और घर पर ही ताज़ा ताज़ा जूस बनाकर पी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा को तोड़कर 30-40 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है जो हमारी सेहत या स्किन के लिए हानिकारक होता है। ये मैंने इसे 30-40 मिनट के बाद धो लिया है। देखिए, ये धोने के बाद भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। हम इसे काट कर फेंक देंगे। ये मैंने इसके काट दिया है। आप या तो इसको इस तरह से काट लें या इसके कांटेदार किनारे निकाल दें इस तरह से। इस तरह से हम इसके दोनों साइडों के कांटेदार किनारे निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे इस तरह से पीस कर लेंगे। अब हम इसे पहले पिछली साइड से छीलेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसका पूरा छिलका निकाल देंगे। और बाद में ये आगे वाला छिलका उतारेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा एलोवेरा जेल निकल गया है। और आप इस तरह से भी इसको छील सकते हैं। इस तरह से एक साथ सारा छिलका निकल जाएगा। और अब इसी तरह हम दूसरी साइड का भी छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसका पूरा छिलका निकाल देंगे। ये जेल निकालने का सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका है। इस तरह से हम अपनी सारी एलोवेरा का जेल निकाल लेंगे। आप इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से ज़्यादा ये बेस्ट तरीका है। ये देखिए, हमने पूरी एलोवेरा का जेल निकाल लिया है इस तरह से। अब हम इसका जूस बनाएंगे। जूस बनाने के लिए इस मिक्सर जार में हम एलोवेरा के पीस डालेंगे, यानी एलोवेरा जेल के पीस डाल देंगे। आप इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस या संतरे का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम आधा गिलास से भी कम पानी डालेंगे और मैं इसमें 2-4 पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी, ये ऑप्शनल है। और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए ग्राइंड कर लेंगे। इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, इसे लगभग 1 ही मिनट तक चलाना है। इस तरह से हम इसे चला लेंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और एक गिलास में छान लेंगे। और ये हमारा एलोवेरा जूस बनकर तैयार है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा नींबू डाल लें या काला नमक डाल लें। हम इसमें टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। आप इसे टेस्टी बनाने के लिए इसमें नींबू का रस, संतरे का रस या पुदीने की पत्तियां, काली मिर्च आदि कुछ भी डालकर इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरह से आप अपने ही घर में ताज़ा ताज़ा एलोवेरा का जूस बनाकर पी सकते हैं। यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और यह बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। फ्रेंड्स, बाज़ार में मिलने वाले एलोवेरा जूस को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनका अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने ही घर में एलोवेरा का जूस बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।